अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MIUI 10 के नए अपडेट 8.7.26 में क्या नया आया है। दोस्तों 8.7.26 का मतलब 26 जुलाई 2018, लेकिन ये अपडेट आई है 27 जुलाई को, क्योंकि ये बीटा अपडेट है, वीकली अपडेट है, डेवलपर अपडेट है और ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस अपडेट के व्हाट्स न्यू में क्या कुछ नया मिल जाता है। तो अगर हम लोग जाएंगे अपडेटर में और देखेंगे व्हाट्स न्यू में, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस हमेशा की तरह यही चीज लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस फिक्स बग्स। पता नहीं कितना ज्यादा ये लोग सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते हैं, कितना ज्यादा ये लोग खटमल को मारते रहते हैं, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन चलिए जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे EN के फोरम पे, तो फोरम पे यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि कैमरा में फिक्स किया गया है कि कांट कनेक्ट टू कैमरा। Redmi Note 5 Pro में कभी कभी ये प्रॉब्लम आता था कि कैमरा से कनेक्ट नहीं होता था, उसे फिक्स कर दिया गया है। फिर दोस्तों फिंगरप्रिंट जो है कभी कभी एप्लीकेशन को अनलॉक नहीं कर पाता था, उसे भी फिक्स कर दिया गया है। सिस्टम UI हैज स्टॉप, और सिस्टम UI जो है बार बार आता था कि सिस्टम UI स्टॉप फोर्स क्लोज, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन में दोस्तों फॉन्ट जो है वो साफ साफ नहीं दिखाता था यहाँ पे, तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है। तो बस यही सब चीजें जो है जो कि फिक्स की गई हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ नया है यहाँ पे मैं नोट्स में लिख करके रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों यहाँ पे कि पोर्ट्रेट मोड आ गया है नोगट डिवाइसेस में। जितने भी नोगट डिवाइसेस में दोस्तों उसमें धीरे धीरे करके पोर्ट्रेट मोड दिया जा रहा है, और यहाँ पे रेडमी नोट 4 में पोर्ट्रेट मोड आ गया है फ्रंट कैमरा में दोस्तों। तो अगर आप जाएंगे फ्रंट कैमरा में तो आप देखेंगे यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपको ये पोर्ट्रेट मोड कैसे पाना है एक कैमरा ऐप को इंस्टॉल करके, लेकिन अब अगर आप दोस्तों उस कैमरा ऐप को इंस्टॉल नहीं भी करेंगे तो ऑफिशियली यह पोर्ट्रेट मोड आ चुका है, और आप देखेंगे कि कैमरा का जो UI है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और यह जो पोर्ट्रेट मोड आया है दोस्तों, इसके बाद से आप देखेंगे तो जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा झकास आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आ रहा है। और दोस्तों पोर्ट्रेट मोड मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, रेडमी नोट 4 में क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं दोस्तों, आपको वीडियो में मिल जाता है फुल HD 60 FPS का सपोर्ट। तो अगर आप जाएंगे वीडियो के सेटिंग में तो आप देखेंगे वीडियो क्वालिटी में आपको फुल HD एट 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, ये काफी अच्छी बात है। अब हम लोग 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये जो स्टेबल नहीं है, 60 FPS में काफी ज्यादा लैग होता है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग तो सही होता है, लेकिन लैग जो है वो काफी ज्यादा होता है अगर आप यहाँ पे 60 FPS में रिकॉर्ड करते हैं। इसे हो सकता है कि धीरे धीरे करके फिक्स किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या मिलता है, तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि पिछले अपडेट में यहाँ पे सर्च बार आया था, ये सर्च बार अभी भी काम नहीं कर रहा है, इसे सर्च पे टाइप करने से कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेटिंग तो ला ही सकते हैं आपको, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले बार ही बता दिया था, अगर आपको सर्च बार हटा करके सेटिंग लाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, और सर्च बार को हटा करके सेटिंग में टैप कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है सेटिंग आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप सेटिंग आ गया है। तो पता नहीं ये लोग सर्च बार को कब फिक्स करेंगे। हालांकि इसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आया गूगल पे इन डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, ये पहले मेरे में नहीं था दोस्तों, हो सकता है कि आपके में पहले से होगा, लेकिन अब डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में दोस्तों प्राइवेसी में मैंने देखा कि गूगल पे का ऑप्शन है, तो ये काफी अच्छी चीज है। हालांकि ये गूगल पे जो है पहले से ही बहुत सारे डिवाइसेस में होगा, लेकिन मेरे में दोस्तों पता नहीं क्यों इसी अपडेट के बाद आया है। और यहाँ पे हमें मिलता है म्यूजिक मेनू चेंज, जो म्यूजिक का मेनू है दोस्तों उसे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। यानी कि अगर आप जाएंगे म्यूजिक में तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले जो आप म्यूजिक चलाते थे यहाँ पे तो सब कुछ दोस्तों ऐसा ही नजर आता है, लेकिन ऊपर से अगर टैप करते थे तो काफी कम मेनू आता था, लेकिन दोस्तों अब अगर ऊपर से टैप करेंगे तो एल्बम आर्टिस्ट शेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद वो सारे ऑप्शन जो है मिल जाएंगे। तो बस यही सब कुछ चीजें जो कि मिल जाती है। हालांकि जो एड्स है, एड्स से तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, एड्स इतना ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों कि अब सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं, थीम्स में ही नहीं दोस्तों, अब अगर आप किसी फाइल को डिलीट भी करते हैं फाइल मैनेजर से तो उसमें भी आपको एड्स देखने को मिल जाता है। तो पता नहीं ये जो एड्स है ये लोग कितना ज्यादा देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यही सब कुछ चीजें जो कि मिल जाती है आज की अपडेट में, और इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।